नमस्कार किसान भैया, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पावरी में। किसान भैया, आज की वीडियो में हम बात करेंगे और रिव्यू करेंगे VST शक्ति MT171DI के बारे में। इसके बारे में हम फुल जानकारी देंगे और आपको सभी चीज़ों के बारे में लगभग बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भैया, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट लुक की। तो आगे आपको दो हेडलैम्प दिए गए हैं और यहाँ पे VST शक्ति के जितने भी ट्रैक्टर आते हैं बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे बम्फर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मिलेगा VST शक्ति MT171DI यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ साइलेंसर इस प्रकार में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी इंजन की बात कीजिए तो इसके अंदर 17 हॉर्स पावर का इंजन दिया गया है जो कि सिंगल सिलेंडर के साथ में आता है। और इसकी सीसी की बात की जाए तो 857 cc का इसके अंदर इंजन दिया गया है और ये वाटर कूल इंजन है। और इसकी टॉर्क की बात की जाए तो इसके अंदर 65 Nm का टॉर्क दिया गया है और ये आप सामने देख सकते हैं। आपको 3-stage ऑयल बेड टाइप का एयर क्लीनर दिया हुआ है और यहाँ पे अल्टरनेटर दिया गया है 35 एम्पियर का और यहाँ पे रेडिएटर काफ़ी छोटा देखने में लगता है रेडिएटर। और रेडिएटर के अंदर जाली भी दिया गया है जिससे कचरा भूसा ना फंसे। और यहाँ पे आपको कूलेंट के लिए ओवरफ्लो रिजर्वायर दिया गया है जिसके अंदर आप कूलेंट डाल सकते हैं। और उसी के नीचे आपको बैटरी दिया गया है। बैटरी की बात की जाए तो इसके अंदर 60 एम्पियर की बैटरी दिया गया है और बोनेट के अंदर हेडलाइट कुछ इस प्रकार में दिया हुआ है और ऊपर की ओर इसके बारे में कुछ जानकारी दिया गया है। और इसकी फ्यूल टैंक की बात की जाए तो इसके अंदर 18 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक दिया गया और ये मैनुअल स्टीयरिंग के साथ में आता है। छोटे ट्रैक्टर में मैनुअल स्टीयरिंग ही आता है। और क्लच की बात की जाए तो इसके अंदर सिंगल क्लच दिया हुआ है और यहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे RPM मीटर, फ्यूल मीटर ये सब दिया हुआ है और यहाँ पे स्टीयरिंग दिया हुआ है कुछ इस प्रकार में। स्टीयरिंग काफी बड़ा है और यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। गियर बॉक्स की बात की जाए तो इसके अंदर कॉन्स्टेंस मैच गियर बॉक्स दिया गया है। 6 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के साथ में कॉन्स्टेंस मैच गियर बॉक्स दिया गया है। ये रहा मेन गियर लीवर और उसी के नीचे आपको हाई लो लीवर देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, अब हम इसके दूसरे साइड आ गए हैं। दूसरे साइड से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक के लिए वॉल्व भी यहाँ पे दिया हुआ है और साइलेंसर कुछ इस प्रकार में दिया गया है। काफी छोटा साइलेंसर देखने में लगता है और काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे आपको इनलाइन पंप जिसे डायरेक्ट इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे ये पंप दिया हुआ है। और इसी के पास में ये बिल्कुल छोटा फिल्टर दिया गया है जो महिंद्रा के ऑटो में लग के आता है, बिल्कुल वैसा ही दिया हुआ है। और यहाँ पे सोलेनाइड वॉल्व दिया गया है जिसे आप चाबी ऑन होगा तभी यहाँ से डीजल इंजन के अंदर जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपको डीजल फिल्टर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे फ्रंट टायर दिया गया है। फ्रंट टायर की बात की जाए तो 5, 25, 22, 14 का टायर दिया गया और बैक टायर की बात की जाए तो इसके अंदर 8, 18 का बैक टायर दिया गया है। और यहाँ पे हाइड्रोलिक लीवर दिया गया जिसे आप पोजिशन कंट्रोल लीवर दिया गया और ड्राफ्ट कंट्रोल। और यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिल जाएगा। और सीट इसके अंदर काफी शानदार सीट दिया गया है, कंफर्टेबल है, मैंने बैठ कर देखा था। और सीट के पीछे बात की जाए तो यहाँ पे टूल बॉक्स देखने को मिल जाएगा और रिफ्लेक्टर दिया हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोलिक दिया हुआ है। हाइड्रोलिक की बात की जाए तो इसके अंदर 750 kg का इसके अंदर हाइड्रोलिक की लिफ्टिंग कैपेसिटी दिया गया है। और इसकी PTO की बात की जाए तो इसके अंदर 14 हॉर्स पावर का इसके अंदर PTO दिया गया है जो काफी कम लॉस के साथ में आता है। और यहाँ पे रियर एक्सल दिया हुआ है। भैया, यही सब कुछ है VST शक्ति MT171DI के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।